गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा शिक्षण की विशेषताओं का वर्णन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको शिक्षण की विशेषताओं के बारे में बताया था, लेकिन सिर्फ मैंने उसमें आपको नाम बताए थे, शॉर्ट में उनका थोड़ा सा वर्णन बताया था। लेकिन इस वीडियो में मैं प्रत्येक वीडियो में मैं आपकी जो नौ आपके जो आपकी विशेषताएं हैं उन विशेषताओं की प्रत्येक विशेषताओं का मैं वर्णन करूंगी। क्योंकि बच्चों नेट जो हमारा आयोजन नेट की परीक्षा का आयोजन हो रहा है वो हमारी ऐसी परीक्षा होती है कि जिसके अंदर विशेषताओं में से भी घुमा के हमसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। उन्हीं के लिए मैंने ये सोचा कि आपकी विशेषताओं का वर्णन भी हमें अनिवार्य है, क्योंकि कब किस विशेषता में से हमें ये प्रश्न पूछ लिए जाएं, इसीलिए इन विशेषताओं का वर्णन करना भी हमारे लिए अनिवार्य है। क्योंकि समय कम है, लेकिन ये टॉपिक हमारा प्रथम है, शायद आप लोगों ने सबने इसको पढ़ लिया होगा, इसीलिए मैं इस टॉपिक को लेके आई हूँ कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा। अब हमारा था जो हम विशेषताओं के बारे में अध्ययन कर रहे थे, पहली थी हमारी बौद्धिक गतिविधि। बौद्धिक गतिविधि के लिए हम कहते हैं कि ये शिक्षण के अनिवार्य रूप में बौद्धिक एक गतिविधि है। ये हमारी प्रक्रिया होती है बौद्धिक, जिसे हम मानसिक भी कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारी मानसिक गतिविधि होती है। इसके लिए शिक्षण बौद्धिक विकास हमारी ये जो प्रक्रिया होती है ये हमारी एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया होती है। क्योंकि जो बौद्धिक स्तर होता है उसे हम अपने शिक्षक अपने मनोवैज्ञानिक आधार पर बच्चों की बौद्धिक स्थिति का ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिससे कि वो जो बच्चों को पढ़ाएं वो उनके खुद का एक मनोविज्ञान क्या कहता है उसके आधार पर वो बच्चों को पढ़ाते हैं। जब कहीं भी हमारी मानसिक स्थिति की बात आती है, बौद्धिक स्थिति की बात आती है, वहां पर हमेशा हम मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया मानते हैं उसको। क्योंकि जो शिक्षक होते हैं उनसे बेहतर बच्चों का जो मनोविज्ञान होता है उसे हम कोई नहीं समझ सकते। इसीलिए हम इसे अगर कहें तो बौद्धिक विकास की जो प्रक्रिया होती है ये एक हमारी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया होती है। इसके द्वारा शिक्षक बच्चों की मनोदशा को समझते हुए उनकी मानसिक स्थिति को समझते हुए अपना अध्ययन करवाते हैं। इसके लिए हम कहते हैं कि इस गतिविधि में शिक्षक की सभी गतिविधियां, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था आपको कि शिक्षण के उद्देश्य की स्थापना, हमारे पाठ्यक्रम को किस तरह से विकसित करना है, कौन सी हमें उसके लिए प्रविधि यूज में लेनी है शिक्षण के लिए, और साथ में हमें किस तरीके से उसका मूल्यांकन करना है, ये सब हमारा इसके अंदर निश्चित होता है। बौद्धिक जो हमारी प्रक्रिया है मनोवैज्ञानिक, अगर इसको हम नाम दें तो ये हमारा, आप लोगों को पता है कि ये हमारी कौन सी विधि है, मस्तिष्क उत्पन्न वाली, जो जिसे हम ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं, जो हमारे मस्तिष्क से संबंधित होती है, जिसमें ये भी कहा गया है कि मस्तिष्क का है क्या है, हमारा एक सीपीयू का काम करता है। तो जो हमारी मानसिक और बौद्धिक स्थिति का जन्म होता है वो हमारे मस्तिष्क के द्वारा होते हैं। तो ये इसमें हम इस विधि का बहुत अच्छे से प्रयोग करते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग का। तो इसमें कहा गया कि जिस विधि का हम ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करते हैं वो है हमारा ब्रेन स्टॉर्मिंग। तो इसके लिए इस बात को ध्यान में रखते हुए शिक्षण की क्या जो बात यहाँ पर ध्यान में रखी जाती है, जब बौद्धिक गतिविधि है तो व्यक्तिगत विभिन्नता की, इस बात को हमेशा हम ध्यान रखें। तभी तो शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञान होता है, वो प्रत्येक बच्चे की किस चीज को जानते हैं, प्रत्येक बच्चे की जो व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है उसको आधार मानकर वो अपना शिक्षण करवाते हैं। इसीलिए यहाँ ये एक बौद्धिक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, क्योंकि व्यक्तिगत प्रत्येक स्टूडेंट में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। हम देखें कि प्रत्येक व्यक्ति का सबका जो अपना बौद्धिक क्षमता है वो सबकी अलग अलग होती है। तो यहाँ हमारी व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए इस चीज का वर्णन हम करते हैं। अगर हम देखें कि इसकी हमारी विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं बौद्धिक गतिविधि की, तो हम कह सकते हैं कि ये एक नए विचारों का विकास करती है। बौद्धिक क्षमता के आधार पर ही हम मानते हैं जो शिक्षार्थी, इसमें जहाँ हमारे शिक्षक क्या करते हैं, शिक्षक हमारी इस चीज के हमें किस तरीके से शिक्षार्थी के अंदर नए विचारों को जन्म देने की प्रक्रिया, या कहें कि जन्म दे
जन्म, जो हमारे नए विचारों का जन्म किस तरीके से हो सकता है, ऐसी शिक्षाओं का हम ज्ञान देते हैं उन्हें। और फिर है विचारों की अभिव्यक्ति, यानी कि बौद्धिक विकास, अपनी क्षमता के अनुसार हम क्या करते हैं, बच्चों के अंदर अपने विचारों की अभिव्यक्ति का भी इसके आधार पर सिखाते हैं। बौद्धिक क्षमता जो होती है वो हमें हमारे विचारों की अभिव्यक्ति भी करना सिखाती है, क्योंकि इसी के आधार पर जहां हम व्यक्तिगत विभिन्नता की बात कर रहे हैं, ये चीज हमें ध्यान में रखते हुए हम हमारे विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं। तो जो हमारी बौद्धिक गतिविधि है वो ऐसी होती है कि जहां हम अपने विचारों को बहुत अच्छे से हम उसको अभिव्यक्त कर सकते हैं। अगर इस चीज का अगर हमें ज्ञान हो जाता है तो यहाँ हम जो शिक्षक शिक्षार्थी के अंदर अपने विचारों की अभिव्यक्ति करना बहुत अच्छे से आता है। फिर है संज्ञानात्मक योग्यताओं का विकास। संज्ञानात्मक मैंने बताया था हमारी मानसिक योग्यताएं, यानी कि जो जो हमारे काम में हमारी मानसिक योग्यताएं होती हैं उनका विकास करती है, नई नई चीजों की हमें पहचान करवाती है, या हम कहें कि संज्ञानात्मक आधार पर ही हम नई नई जो हमारी प्रक्रियाएं होती हैं उनका हम जन्म करते हैं, या हम कहें कि हमारी मानसिक को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, मानसिक योग्यता को, वो हमें इसके द्वारा पता चलता है। तो दूसरा है शिक्षार्थियों को सृजनात्मकता प्रदान करना, यानी कि शिक्षार्थियों के अंदर मानसिक प्रक्रिया में किस तरीके से जो पाठ्यक्रम में हमारी विविधता का जो मुख्य उद्देश्य होता है, यानी कि हम बच्चों को पढ़ाएं और पढ़ाने के साथ साथ हम क्या सिखाएं, कुछ अलग से क्या विविधता होती है, वो है हमारी क्रिएटिविटी। यानी कि हम जानते हैं कि प्रत्येक बच्चा केवल और केवल पढ़ाई में ही इंटेलिजेंट नहीं होता है, जहाँ व्यक्तिगत विभिन्नता की बात आती है तो प्रत्येक बच्चे के अंदर अलग अलग गुण पाए जाते हैं। जरूरी है कोई बच्चा पढ़ने में इंटेलिजेंट होता है, और अगर हम माने तो कुछ हो सकता है कि स्टूडेंट किसी खेलकूद में जो आगे होते हैं, कुछ ड्राइंग में होते हैं, कुछ संगीत में होते हैं, कोई नृत्य में होता है। तो ये जो उनकी क्रिएटिविटी होती है उसका भी हम आगे से उनकी जो हम क्यों करते हैं कैसे पहचानते हैं, जब ही कहा गया है कि जो हमारी बौद्धिक गतिविधि है वो हमारी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, क्योंकि इसी के आधार पर शिक्षक पहचानते हैं कि बच्चों में आखिरकार कौन सी सृजनात्मकता क्रिएटिविटी छुपी हुई है, और उसी के आधार पर वो बच्चों की उस क्रिएटिविटी को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो मैंने आपको बताया शिक्षण की विशेषताएं, इस चीज को बच्चों हमेशा ध्यान रखना कि बौद्धिक गतिविधि में हम कौन सी प्रविधि, जो हमारे ब्रेन स्टॉर्मिंग है उस प्रविधि का प्रयोग करते हैं, ये क्यों की जाती है, ये उद्देश्य की स्थापना करने के लिए, पाठ्यक्रम को विकसित करने के लिए, प्रविधियों का प्रयोग करने के लिए, उसका मूल्यांकन करने के लिए। और हमने इनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा कि हमसे इसी में विशेषताएं होती है कि नए विचारों का विकास करना, विचारों की अभिव्यक्ति प्रदान करना, संज्ञानात्मक योग्यताओं का विकास करना, और शिक्षार्थियों की सृजनात्मक शक्ति का विकास करना। तो ये सब इसकी हमारी जो हमारी बौद्धिक गतिविधि है इसकी विशेषता पाई जाती है। अब हमारा आता है सेकंड, मूलभूत शिक्षण प्रतिरूप। जो मैंने बताया था शिक्षण प्रतिरूप यानी कि शिक्षण का मॉडल, हम मानते हैं कि हम जब शिक्षण करवा रहे हैं उसके ढांचे का हमारे पास कोई प्रतिरूप होना चाहिए, कोई मॉडल होना चाहिए। हमने देखा है कि जब हम कोई मकान का निर्माण करते हैं तो हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम हम उसका मॉडल बनाते हैं कि हमें किस तरीके से उसे आयोजित करना है। तो शिक्षण के लिए भी हमें क्या बनाया जाता है, मॉडल बनाया जाता है। अब हमने देखा कि हमारे शिक्षा का मॉडल दो रूप में बना है, किस तरीके से, प्राचीन जो जिसे हम परंपरागत शिक्षण कहते हैं, और सेकंड जो हमारा आधुनिक स्वरूप है। परंपरागत स्वरूप में आपने देखा इसका जहां पहला आता है जिसे डिवाइडेशन, इसका नाम दे दिया गया है इन्हें प्रशिक्षक केंद्रित, और दूसरा है शिष्य केंद्रित, जिसे हम कह सकते हैं शिक्षक केंद्रित और शिक्षार्थी केंद्रित। क्योंकि आज का जो मॉडल है हमारी शिक्षा का वो क्या है, शिक्षक या शिक्षार्थी, कौन सा है, शिक्षार्थी। तो यही चीज इसमें बताई गई है कि जो आधुनिक स्वरूप है, आधुनिक जो हमारा मॉडल है वो है हमारा कौन सा है इसमें, आज का, कि शिक्षक केंद्रित ना होकर बाल केंद्रित हमारी शिक्षा है। और यही जो हमारा प्रशिक्षक केंद्रित है, जो हमारा परंपरागत जिसे हम कहीं प्राचीन था हमारा, उसमें कहा गया है कि हमारी जो शिक्षा है वो शिक्षा कैसी शिक्षा थी, पहले हमारी इसके अंदर शिक्षक प्रधान थे, तो ये हमारा परंपरागत दृष्टिकोण हुआ। तो इसमें इसी चीज का वर्णन किया गया है, इसमें बताया है कि शिक्षण का जो व्यापक
बच्चों शिक्षा की परिभाषा भी दो आधार पर मैंने बताई थी और शिक्षण की व्यापक और संकुचित। अगर हम व्यापक तौर पर देखेंगे कि व्यापक तौर पर हम शिक्षा प्रदान करना, तो व्यापक तौर पर हम उस चीज में क्या देखते हैं, हमने जो शिक्षा है जिसका स्तर व्यापक है, अगर उसमें हम देखें तो मैंने एक शब्द का प्रयोग किया था लास्ट वीडियो में कि व्यापक शिक्षा जहाँ आ गया वहाँ बच्चों का सर्वांगीण विकास, इसमें हम इस शब्द का प्रयोग करेंगे, यानी कि ऐसी शिक्षा जो हमें शिक्षित करने के साथ साथ हमें क्या करती है, हमें हमारे आजीविका का साधन चुना आजीविका का साधन बनने के लिए भी बनाती है, हमें प्रदान करवाती है। और दूसरी चीज हमें क्या करती है, जो हमारी व्यापक उद्देश्य है उसके अंदर हम देखते हैं कि बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है, इसके अंदर बच्चा शारीरिक मानसिक आर्थिक ये हर तरीके से उसका विकास होता है, ये हमारा इसका उद्देश्य होता है व्यापक शिक्षा का। तो व्यापक शिक्षा में हम देखें तो शिक्षा प्रदान करना, इस उद्देश्य को प्राप्त करने का मार्ग हमारा अलग अलग होता है, जिसको हम शिक्षण प्रतिरूप कह सकते हैं। शिक्षण के मूलभूत प्रतिरूप हमारे प्रशिक्षक केंद्रित और शिक्षार्थी केंद्रित है, प्रतिरूप हमारे मॉडल, हमने देखा है कि हमारी जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का हमारी एजुकेशन का है। तो दो तरीके से हमारे इसमें स्ट्रक्चर हमने देखा, यानी कि जो हमारा परंपरागत और हमारा आधुनिक। अब बच्चों बात आती है हमारी प्रशिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण, जिसे हम परंपरागत दृष्टिकोण भी कह सकते हैं। यह शिक्षण जो होता है हमारा, जो परंपरागत दृष्टिकोण पर आधारित होता है, इसमें हमारे शिक्षक का शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, उनकी गति सामग्री, उनकी प्रविधि पर पूर्ण नियंत्रण रहता है। किसका? ओनली शिक्षक का, अर्थात यहाँ शिक्षक प्रधान, यानी कि सब चीजों पर किसका नियंत्रण होता है, शिक्षक का होता है। शिक्षार्थी को सीखने के लिए पूर्णतः किस पर आश्रित होना होता है, शिक्षक पर। हमने देखा कि हमारी प्राचीन शिक्षा यही थी कि पूर्ण रूप से हम यहाँ पर प्रशिक्षक यानी शिक्षक पर ही हम आश्रित थे, यानी कि वो शिक्षक प्रधान थी, इसीलिए शिक्षार्थी किस पर डिपेंड थे, शिक्षक पर। यानी कि हम देखें जो प्रत्येक कार्य है वो हमें शिक्षक की अनुमति से करना है। यहाँ कहते हैं कि बच्चा सीखने के लिए भी किस पर आश्रित है, शिक्षक पर। वो अपनी प्रविधि के आधार पर बच्चों को सिखाते हैं, नियंत्रण रखते थे कि किस तरह से सीखना है, उन्हें वो अपने अनुशासन में रखते थे। ये हमारी जो परंपरागत शिक्षा थी पहले, उसका एक स्वरूप था। अब आगे हम इसके बारे में बात करें तो यह तय करना हमारे पूर्ण रूप से शिक्षक का दायित्व था कि बच्चे किस तरह से सीखेंगे, उन्हें सिखाने के लिए हमें क्या करना है, उन्हें नियंत्रित रखने के लिए हमें क्या करना है, यानी कि प्रत्येक पक्ष जो हमारे शिक्षार्थी के थे उन पे केवल और केवल शिक्षक का अधिकार था। यानी शिक्षक छात्रों को जो सीखने की प्रक्रिया है वो उनका मूल्यांकन करते थे कि किस तरीके से बच्चों ने सीखा है। इस शिक्षक दृष्टिकोण को हम आंगल भाषा में क्या कहते हैं, पेडागोजी, यानी किसको हम क्या कहते हैं, जो सीखते हैं, पेडागोजी, ये वर्ड होता है हमारा, इसका जो हम हमारा किस भाषा में है, ये आंगल भाषा में है, जिसे हम शिक्षण का, जिसका अर्थ होता है हमारा शिक्षण का विज्ञान, यानी कि जो आज हम पेडागोजी पढ़ते हैं उसका अर्थ है शिक्षण का विज्ञान, इसका अर्थ है हमारा शिक्षण का विज्ञान। जो पेडागोजी हम काम में लेते हैं, यहाँ बता देती हूँ बच्चों, जो हम पेडागोजी वर्ड यूज में लेते हैं ये हमारे आंगल भाषा का है, हमारे आंगल भाषा का है, और जिसका अर्थ क्या है हमारा शिक्षण का विज्ञान। और हमने देखा है कि जो हमारा पहले था परंपरा जो था हमारा वो कैसा था, शिक्षक, यानी कि शिक्षक उसके लिए हर चीज का जो भी चुनते थे वो शिक्षक चुनते थे। अब हमारा दूसरा आता है शिष्य केंद्रित, जिसे हम कहते हैं बाल केंद्रित, आज हम इसे बाल केंद्रित का भी नाम लेते हैं, या हम कहें कि हमारी आधुनिक शिक्षा, यानी कि जो हमारा पहले परंपरागत ढांचा था अब ये हमारा आधुनिक में बच्चों आपने देखा है किस प्रतिरूप के अंतर्गत जो हमारे शिष्य होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, वो अधिकतर आत्मनिर्देशित होते हैं, उनके अंदर स्वयं के अंदर इतना आत्म जो कहते हैं ना कि ये खुद स्वयं के द्वारा निर्देशित होते हैं कि उन्हें क्या करना है, तभी तो हमारी जो आज की शिक्षा है वो बाल केंद्रित हो गए।
गए, क्योंकि हमने देखा है बच्चे जब शिक्षा लेते हैं तो वो अपनी आवश्यकता के अनुसार लेते हैं, तो इसीलिए इसे शिष्य केंद्रित बना दिया गया। वो खुद आत्म निर्देशित होते हैं कि उन्हें अपनी आत्मा से पता होता है कि हमें क्या जानना है, वो स्वयं से निर्देशित होते हैं। कहते हैं ना, पहले जब केवल शिक्षक पर आश्रित रहते थे, लेकिन आज के जो विद्यार्थी है वो स्वयं निर्देशित रहते हैं, आत्म निर्देशित रहते हैं कि उन्हें क्या करना है। बात यह होती है कि वो आत्मनिर्भर निर्देशित स्वयं रहते हैं, सिर्फ उन्हें कैसे करना है, किसके द्वारा करना है, इसमें हमारी शिक्षक की भूमिका होती है। लेकिन पहले ही जो था हमारा, उसमें तो पूर्णतः शिक्षार्थी पर फोकस न करते हुए ओनली किस पर था, शिक्षक पर। तो इसमें ये चीज बताई गई है कि ये आज की जो हमारी शिक्षा केंद्रित हमारी शिक्षा है, शिक्षण विधि है, जो आज किससे के द्वारा शिक्षार्थी स्वयं आत्मनिर्देशित है, इसमें अहम उसके लिए स्वयं को वो उत्तरदायी मानता है, क्योंकि वो अपने स्वयं की आवश्यकताओं के आधार पर हमारी शिक्षा ग्रहण करता है और उसी के लिए वो शिक्षण प्रक्रिया को अपनाता है। यानी कि वो स्वयं अपने लिए शिक्षार्थी का हित केवल ज्ञान प्राप्त करने के तक सीमित नहीं रहता है। मैंने ये बताया था कि सिर्फ और सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना आज की शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। आज की शिक्षा का जहाँ उद्देश्य हमारा व्यापक अर्थ में आता है, तो आज की शिक्षा का हमारा अर्थ है क्या है बच्चों, कि हमें प्रत्येक बच्चे का, आज की शिक्षा ये चाहती है कि बच्चों का कैसा विकास हो, सर्वांगीण विकास हो। वो केवल शिक्षित होना उनका उद्देश्य नहीं है, उनका ये उद्देश्य कि उन्हें आगे जो शिक्षा ली है उसे किस तरीके से वो अपने जीवन में काम में ले सकते हैं, क्योंकि इसकी विवेचना भी निहित है कि किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि जब तक बच्चे हमें हम ये कहें कि हमें जब तक जिस चीज की आवश्यकता नहीं होती है, तो हम उस चीज के बारे में हम कभी ज्ञान प्रदान कर ज्ञान लेने की कोशिश नहीं करते। अगर हमें ज्ञान लेना है, हमें आगे बढ़ना है, तो हमें क्या करना है उस चीज के लिए, हमें उस चीज के लिए स्वयं को उस चीज में तैयार करना होता है कि हमें किस तरह से हमारा कार्य करना है। शिक्षक का कार्य हमारे सीखने के लिए हमारे मार्गदर्शक के रूप में, हमारा जो कहते हैं एक तरह से हमारे सुगमता प्रदान करने के लिए होता है। लेकिन सीखना किसको होता है, बच्चों को। हमें सिखाने की चीज में जहां आसानी प्रदान कर सकते हैं शिक्षक, लेकिन सीखना किसको होता है, बच्चों को। अब देखिए बच्चों, इन दोनों की मैंने थोड़ी आपकी विशेषता बता दी। सबसे पहले अभी मैंने समझाया कि प्रशिक्षक केंद्रित जो हमारा परंपरागत दृष्टिकोण है, इसकी क्या विशेषता होती है। मैंने बताया था कि शिक्षक पूर्ण नियंत्रण, यानी कि जो सभी प्रक्रियाएं होती है, चाहे हमारा उद्देश्य निर्धारण, हमारी प्रविधि, मूल्यांकन, सभी में ही किसका नियंत्रण होता है, शिक्षक पर। यानी कि शिक्षक ही हमारे सभी अधिगम की जो प्रक्रियाएं हैं, सीखने की विद्यार्थी की जो प्रक्रियाएं हैं, सभी पर किसका नियंत्रण होता है, हमारे शिक्षक का। दूसरा है सीखने के लिए शिक्षक पर आश्रित। मैंने बताया था कि सीखने के लिए इस प्रक्रिया में पूर्णतः किस पर आश्रित होना था, शिक्षक पर। यानी कि शिक्षक जो कहे उन्हीं आदेशों को हमें पालना करनी होती थी। फिर है शिक्षक द्वारा मूल्यांकन। आज हम कई बार देखते हैं कि बच्चों के हम स्वयं मूल्यांकन करने की आदत डाल देते हैं कि बच्चे स्वयं करें और स्वयं सीखे, जो हमारी आज की विधि है। लेकिन जो पहले थी हमारी, वो शिक्षक प्रधान थी, तो वहां का जो पूरा मूल्यांकन करते थे वो भी कौन करता था, हमारा शिक्षक। अब आता है हमारी शिष्य केंद्रित, यानी कि बाल केंद्र हमारा आधुनिक स्वरूप है। इसमें है शिष्य क्या होते हैं, इसमें आत्मनिर्देशित होते हैं, वो स्वयं की आवश्यकता को देखते हुए स्वयं से निर्देशित होते हुए वो उस कार्य को करते हैं कि उन्हें किस कार्य की आवश्यकता है, ये वो चीज बताते हैं। फिर है शिक्षार्थी स्वयं सीखने की, यानी कि हम देखते हैं कि पहले जहाँ शिक्षार्थी के ऊपर फोकस करते हुए केवल शिक्षक था, शिक्षक जबरदस्ती से, या कहें कि शिक्षक अपनी आवश्यकता के आधार पर बच्चों को सिखाते थे, लेकिन आज का जो है हमारी शिक्षा वो है हमारी उल्टी शिक्षा। इसमें क्या हो गया है, शिक्षार्थी स्वयं सीखने की गति करता है कि बच्चों को कितना सीखा है, कितने सीखने की आवश्यकता है, तो वो उसके स्वयं पर आश्रित है, वो स्वयं अपने निर्देशों के अनुसार स्वयं अपनी इच्छा के आधार पर सीखता है। फिर है इसमें स्वयं मूल्यांकन, जो मैंने बताया कि आज की जो हमारी प्रक्रिया है करके सीखने की, या हम आज की जो शिक्षा शिक्षण विधि है उसके अंदर से मूल्यांकन होता है, बच्चे स्वयं करते हैं और स्वयं सीखते हैं। इसी के आधार पर हमने देखा है कि आज का जो हम बच्चों के लिए प्रैक्टिकल वर्क बनाते हैं, आज की शिक्षा में हम अलग से बच्चों के लिए एक वो बनाते हैं कि बच्चों को किस तरीके से उसमें स्वयं कार्य करना है और स्वयं इस कार्य को सीखना है। तो ये हमारी आज की वीडियो में था बच्चों, कि मैंने
विशेषताओं का मैं वर्णन कर रही हूँ उसके अंदर मैंने आज आपको वो दो विशेषताओं का वर्णन किया है, बौद्धिक गतिविधि का और मूलभूत शिक्षण प्रतिरूप का। इसी तरीके से मैं आगे और विशेषताओं का आपका वर्णन करूंगी, क्योंकि प्रत्येक विशेषताओं के अंदर सबके प्रश्न छुपे हुए हैं। इसे ध्यान से सुने और लिखें। धन्यवाद।